जिला ट्रैफिक पुलिस की ओर से पठानकोट के वाल्मीकि चौक में नाका लगाया गया और नौजवानों को ट्रैफिक नियमों की पालना करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंचार्ज ब्रह्मदत्त ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया है। संदीप ने गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था, ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। नमस्कार, मैं हां रंजना दी, तुसी वेख रहे हो टुडे हेडलाइंस। पठानकोट दे विच जिहड़ी आ ट्रैफिक काफी ज्यादा जिहड़ी देखण नूं मिलदी आ, जिस दे दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी उत्थे मौजूद हुंदे ने ते ट्रैफिक नूं नियंत्रण करन दी लगातार कोशिश करदे रहिंदे ने, जिस दे चलदे कुछ नाबालिग जिहड़े ने ओह वी गड्डियां लै के, मोटरकारां लै के, ईवन की कार लै के वी ओह बाहर निकलदे होए नजर आउंदे ने, जिस दौरान अज पुलिस वल्लों उहनां नूं समझाया गया ते उहनां नूं इहनां गड्डियां नूं बाहर लैके निकलण तों मना कीता गया। सुणदे आं ब्रह्मदत्त जी होणां तों, सुणदे आपां कि की है सारी इहनां ने कि मुद्दिआं नूं लै के नाबालिग बच्चों नूं समझाया ते किस किद्दां दी हिदायतां उहनां नूं दित्तियां जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, अज जिहड़े मैं ट्रैफिक दे विच देखिआ हैगा कि काफ़ी जगह दे उत्ते जिहड़े ट्रैफिक पुलिस वल्लों लोकां नूं समझाया जा रिहा कि ट्रैफिक नियमां दी वरतों करो, ते जिहड़े लोक ने कुछ नाबालिग बच्चे भी जिहड़े ने ओह गड्डियां लै के बाहर निकलदे ने, उहनां बारे तुसीं दस्सो। उहनूं अज आपां माणयोग SSP साहब दी हदायतां दे मुताबिक लाइटां वाला चौंक, वाल्मीकि चौंक, गाड़ियां तां चौंक, इत्थे जा के जिहड़े नाबालिग स्कूटरियां वगैरह चला रहे आ ते आपां उहनां बच्चों नूं जा अवेयर किया उहनां नूं भी तुसीं इह नहीं चला सकते, अगर तुसीं चलाउंदे हो आपां तुहाडा कोई चलान करदे आ ते फिर इहदी जिहड़ी सज़ा है तुहाडे फादर नूं होएगी, क्योंकि उहदा जुर्माना फाइन बहुत ज़्यादा हैगा, 25,000 रुपया फाइन आ उहदा, ते उहदे फादर नूं सज़ा वी हो सकदी है कोर्ट चों, इस करके अज असीं बच्चों नूं काफ़ी अज अवेयर किया इस संबंध च, ते उम्मीद है कि बच्चों ने भी काफ़ी आश्वासन दिता भी अगे तो नहीं चलावांगे आपां। जी सर, जे गल लाइटां वाले चौंक की करिए, उस दे विच लाइटां तां चौंक तां बनिया होया पर उत्थे लाइटां नहीं हैगियां। इह लाइटां दी देखो जी, हुण उहनां ने प्रशासन ने लानी है ना जी, इह उहनां दी जिम्मेवारी बनदी है। काफ़ी हद तक उस जगह दे उत्ते एक्सीडेंट भी हो जांदे ने इहनां लाइटां दे करके भी, ते जिहड़ा उत्थे दो साइडों रस्ता खुल्लिया होया जिद्दां कि लोकी उत्थों आंदे जांदे ने उह दोवें साइडां दे विच आपस दे विच क्रैश हो जांदे ने। नहीं जी, उत्थे एक्सीडेंट पहली गल ते दो मुलाजम ते आपां परमानेंट लांदे आ जी उत्थे जी, बिल्कुल मुलाजमां दी कोई आपां नूं प्रॉब्लम नहीं हैगी, मुलाजम वधिया ड्यूटी कर रहे ने उत्थे लाइटां वाले चौंक च, ते ट्रैफिक इन्नी स्लो होंदी है एक्सीडेंट होंदा तो उत्थे मतलब कोई नहीं। पर सर, क्रैश कर जांदियां गड्डियां काफ़ी टाइम, साढ़े को रिकॉर्ड पिया होगा काफ़ी टाइम उत्थे क्रैश गड्डियां कर जांदियां ने, ते की जिहड़ा दूसरी साइड जिहड़ी है उधरों नहीं गड्डियां नूं आना चाहिए, तुसीं जिहड़ी गड्डियां ने ओह सीधे रोड तो उत्तों निकल गईआं। ट्रैफिक ज़्यादा होण कारण इसे कारण आपां दो एक साइड तो रोकी हुई है ट्रैफिक, पेंची गेट लाए हुए उत्थे, ते बाकी जे कोई प्रॉब्लम होएगी तो आपां बैठे उत्थे सॉल्व करांगे। थैंक यू जी। आपां ट्रैफिक इंचार्ज होरां नाल भी गलबात कीती है, तो उन्होंने साफ तौर पर दस्सिया हैगा कि कितने लाइटां नहीं हैगियां, उसके कारण भी जिहड़ा ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हुंदे ने, हालांकि इस गल नूं इनकार दे होए जिहड़े ने और ट्रैफिक इंचार्ज नज़र आए ने, तो उन्होंने नाल ही दस्सिया हैगा कि बच्चों नूं भी आपां समझाया हैगा, तो अगे बच्चों ने भी उन्होंने आश्वासन दिता हैगा। संदीप ने गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था, ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरी शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था, 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी, और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा, कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था, 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई, लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया, सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है, यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया, और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्र उच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।